सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंत आपने हमें बहुत अच्छा सा शाम दिया और रात्रि भर आप पिता हमें संभाल कर रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात का भी करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंत आप मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोग आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया और आपने मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, आपने प्रार्थना करने के लिए पिता मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदावंत उनके घर, उनके परिवार, उनके जीवन की हर एक एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने परमेश्वर को समय दिया है, आज जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को समय दिया है और प्रार्थना को समय दिया है, खुदावंत उनकी जिंदगी में वो हर एक प्रकार की जो मुश्किल घड़ी आपके जीवन में है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, समस्या है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको समय देगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आज हम इन बातों को यदि समझते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं केवल पैसे के लिए ही परेशान है, नहीं, आपको पैसे के लिए ही नहीं, यदि आप इन बातों को सही से समझ जाएंगे तो खुदावंत आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ध्यान से इन वचनों को और जो पौलुस की बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि पौलुस ने बहुत बड़ी बात कही थी उद्देश्य के विषय में कि आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, आपका बच्चे का जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, आपके घर का, आपकी सोच का, आपकी समझ का कैसा उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए प्रचारक इस बात पे याद रखिएगा कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में, आज सृष्टि के जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करने वाले वो सभी क्या हैं, प्रचारक हैं, वो प्रचार करने वाले हैं। किस चीज का? परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं। आप कहीं भी किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में हैं, कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी कंट्री में आप क्यों ना हो, खुदावंत आपको वो ताकत देता है, वो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपको बचाता है, वो आपको जीवन देता है। इसके लिए आपको परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य सही होना चाहिए, इस बात पे हमें याद रखना चाहिए। सर्वप्रथम पौलुस ने कहा उद्देश्य जो मनुष्यों का है वो सही होना चाहिए। अब सही कौन सा उद्देश्य हमारा होना चाहिए, इस बात को जानने के लिए और इन वचनों को ध्यान से सुनने के लिए आपको समय देना होगा, आपको भटकना नहीं है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे कि सर हमारे पास टाइम नहीं रहता वचन सुनने के लिए, हमें केवल प्रार्थना कर दीजिए, आपके लिए दुआ करेंगे। यदि आप घबराते हैं, आप चिंता में, आप परेशानी में, आप दुख में, आप डिप्रेशन में हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो गया है, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों परेशान है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है। पौलुस ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके समझाया और इस वचन को ध्यान सुनिए। प्रभु के नाम की महिमा, पौलुस का उद्देश्य धन और ख्वाहिश नहीं थी। क्या था यहाँ पे जो पौलुस ने हमें कहा, प्रभु के नाम की महिमा के लिए पौलुस को कोई धन की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उसे किसी प्रकार की उसका उद्देश्य था और ना ही उसे कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन पे ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की सकता नहीं है, इसीलिए परंतु मनुष्य और उनका उद्धार और स्थिर रहता है, क्योंकि जिस तरीके से पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:15 से लेकर के 18 तक यहाँ पर लिखा है, आत्मा आवश्यकता है आज हमारे जीवन के लिए, आज जो हमारी आत्मा है, और दया, पौलुस जिस तरीके ने यहाँ पे समझाया कि आपके जीवन में दया होनी चाहिए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए, और दया पौलुस में विद्यमान थी और वह आगे बढ़ने के लिए बाध्य हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी में बहुत सारी ठोकरे खाएं, लेकिन पौलुस को क्या होता था कि उसे आगे बढ़ना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी। और इस बात को हम सही से समझे, क्योंकि आज हम ध्यान पूर्वक यदि प्रार्थना में हम समय देते हैं और निष्ठा के साथ और अपना हम परिश्रम करते हैं और विश्वास योग्य होना चाहिए और सार्वजनिक आज संदेश
संसार के अंत की निकटता की, मृत्यु की निकटता की, मसीह का द्वितीय आगमन का उसका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह की महिमा पर होना चाहिए। आज हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आज हमें अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिष्ठा के साथ सही मायने में हर एक कामों को सही परिश्रमी आज हमें होना चाहिए, मतलब आज हमें परिश्रम करना चाहिए। पौलुस ने भी अपने समय में बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत सारा उसका उद्देश्य यही था कि परमेश्वर जो हमें बताता है और जो हमें सिखाता है वो हमारे लिए विश्वास योग्य है और हम विश्वास योग्य बनेंगे। इसलिए आज हमें पूरे संसार में, पूरे देश में, आज पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तभी आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जिस तरीके से हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्रभु की महिमा में होना चाहिए। पहला जिस तरीके से हम देखते हैं कुलुसियों पुस्तक अध्याय 3:17 में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 10:3 में भी लिखा हुआ है, और हमारे जीवन में जिस तरीके हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:4 में लिखा है, पौलुस लोगों के विश्वास करने के खातिर अपना खाना पीना तक छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आप सोचिए कि पौलुस अपने लोगों के लिए, जैसे आप मेरे सभी मसीह भाई बहन हैं, आप मेरे छोटे बड़े मसीह भाई बहन सभी लोग हैं, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे, हालेलुया, आपको बरकत दे, कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत देगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा और मुझे सुरक्षित रखेगा। इसलिए पौलुस ने अपने विश्वास के लिए नहीं, लोगों के विश्वास करने के खातिर उसने क्या सोचा कि मैं अपना खाना पीना भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, मेरे साथी, मेरे जो दोस्त, मेरे मसीह भाई बहन जितने हैं, यदि वो सही होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता, उन्हें आशीष देता है, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। इसीलिए आपके लिए हम दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं कि खुदावंद आपको सुरक्षित रखे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, ताकि हम, यदि आपको परमेश्वर आशीष देगा, तो जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा तो परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। कहीं पर भी आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आप छोटे कभी नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जिस तरीके से हम जानते हैं पौलुस ने अधिक आत्माएं जीतने और संदेह को दूर करने के उद्देश्य से जिस तरीके से क्रुंतियों के वेतन लेने से भी इंकार कर दिया था। ये उस समय की बात है जब सभा चलती थी, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता था, तो वहां पर पैसा दिया जाता था कि आप इतना मेहनत करते हैं और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए आपको जाना आना पड़ता है, तो वहां पर उसने क्या किया, लोगों के लिए उसने वेतन भी लेना छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं, पौलुस ने बहुत अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, आज हमें उससे सीखना चाहिए कि पौलुस ने आज हमें क्या आज्ञा दी, क्या बताया, परमेश्वर ने पौलुस को आज्ञा दी और पौलुस ने हम सभी मसीह भाई बहनों को बताया। इसीलिए आज हमें इन बातों को याद रखना है, पौलुस जो आत्माएं जीतने के खातिर बहुत सारे खाने पीने की आदतों को बदलने और अपनी स्वतंत्रता को बलिदान करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता था, वो अपना सब कुछ, हालेलुया, वो अपना सब कुछ क्या करता था, त्यागने के लिए तैयार रहता था। किन के लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब कि अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और हमेशा तैयार रहता था और उसने बहुत कुछ त्यागा है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी थी, बहुत सारा बरकत दिया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और पौलुस ने आगे भी कहा था कि पौलुस ने अपने विभिन्न वर्ग के लोगों के अनुकूल बना रहा, हमेशा बना लिया था और हमेशा बना रहा। आज हमें क्या करना है? आज हम नफरत करते हैं, हम फला व्यक्ति से नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमसे लड़ाई किया, झगड़ा किया है, नहीं, लेकिन पौलुस ने ऐसा कभी भी अपने जीवन में नहीं किया। भले दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे से कोई नफरत कर ले, लेकिन पौलुस के साथ जब कोई व्यक्ति नफरत करने लगता था तो पौलुस उससे माफी मांगा करता था कि यदि मुझसे कोई गलती हो, भले पौलुस की गलती हो या ना हो, लेकिन पौलुस कहता था कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मुझे श्वासें दी है, इसीलिए आज
आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का। इसीलिए आपने देखा होगा यहूदा और यहूदियों के विषय के बारे में बहुत सारी बातें पौलुस ने कही थी, लेकिन व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए व्यवस्था के अधीन जैसा बना आपको रहना चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि आज हमारी जो दुर्बलता है, आज जो हमारी कमजोरी है, जो आज हमारी चिंताएं हैं, आज जो हमारे कामों में दिक्कत है, परेशानी है, मुसीबत है, जॉब में, नौकरी में, हर एक कामों में प्रॉब्लम यदि आ रही है, दुर्बलता हमको महसूस हो रही है कि नहीं हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के वचनों के अधीन रहो। और इस बात को पौलुस भी दोहराते हैं कि परमेश्वर के वचनों के अधीन रहो, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को आपको मानना होगा। यदि आज आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:19 से लेकर के 23 तक में लिखा है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस विवाह, घर और बाल बच्चों से बचने रहने के लिए हमेशा वो तैयार रहना था। क्या रहता था? अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ क्या किया था कि लोगों के लिए कहा था कि बेटे तुम घर में रहो, तुम जो भी करना है करो, हम आपकी दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा आज हमारी मदद करेगा। और उसी तरीके पौलुस के बच्चे जितने थे, बेटे और बेटियां थी, पौलुस ने कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया अपने परिवार के ऊपर जितना अपने मसीह भाई बहनों के ऊपर ध्यान दिया। और उसके बाद भी परमेश्वर ने उनके बच्चों को संभाला, उनके घर, उनके परिवार को। इसीलिए आज हमारे जीवन में यही उद्देश्य होना चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदा आज हमें आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराई आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सके और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर, आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने वाली है। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है पिता, आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए, खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन के देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं,
और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहने रो रही है, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुखाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौते पुत्र को भेज करके में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है, उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, मेरे प्रियों परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है, उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंधन से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, अपने काम के लिए,
लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से, हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या है उसके घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर।